नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गौरमेंट जाब प्रपेशन पर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर एन सी सीरीज़ चला रहा हूँ इसमें आपको ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री सारे, सारे नCRT, आ, के सारे वीडियोस एन के प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रपरेशन करने हैं जिसमें आपका जी एस के पूछा जाता है तो उसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एन पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है तो वही यहाँ पर मैंने सीरीज़ स्टार्ट की और हिस्ट्री के और जोग्राफी की मैंने यहाँ पर आज स्टार्ट कर दी है जिसमें जोग्राफ़ी की मैंने ऑलरेडी टू चैप्टर्स फिनिश हैं और हिस्ट्री के मैंने तीन चैप्टर यहां पर फिनिश कर दिए हैं और ये चौथा चैप्टर है आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है क्या बताती हमें किताबें और कबे तो चलिए शुरू करते हैं पुस्तकालय में, में मेरी जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा में काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है मेरी सोचने मेरी सोचने लगी वेद क्या है चलो पता लगाएं तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक साप तुनु शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा वेद चार हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग पैंतीस सौ साल पहले हुई तो ये भी आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो सबसे पुराना वेद हमारा है वो है ऋग्वेद और इसकी जो रचना है ये लगभग पैंतीस सौ साल पहले हुई थी ऋग्वेद में एक हज़ार से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनता जा है कि ऋग्वेद में किस वेद में एक हज़ार से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं तो वो आपका हो जाता है ऋग्वेद जिन्हें सूक्त कहा जाता है तो इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है सूक्त सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि सूक्त का मतलब क्या होता है तो सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया और जो हमारा ऋग्वेद है इसमें एक हज़ार से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और इन्हीं प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है सूक्त कहा जाता है जिसका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं इनमें से तीन देवता महत्वपूर्ण हैं अग्नि इंद्र और सोम तो हमारे जो वेदों में तीन देवताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है जिसमें आपके आ जाते हैं अग्नि इंद्र और सोम अग्नि जो है ये आग के देवता हैं इंद्र जो है ये युद्ध के देवता माने जाते हैं और सोम जो कि एक पौधा होता है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है ठीक है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे अधिकांश सुख्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी ऋग्वेक्ति भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखे गए थे ठीक है लिखा गया था तो ऋग्वेद की जो भाषा थी वो थी संस्कृत जो वैदिक संस्कृत थी जिसे हम प्राक संस्कृत बोलते हैं तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न थी ठीक है आगे बढ़ते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं तो चलिए शुरू करते हैं कुछ थोड़ा सा नॉलेज यहां पर भाषाओं के बारे में भी ले लेते हैं जो संस्कृत भाषा है ये भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है ठीक है तो आपका क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है तो जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और भारोपी का मतलब होता है भारत और यूरोपीय ठीक है ठीके? भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया हो गया गुजराती हिंदी कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन यूनानी इतालवी स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं तो यानी कि जो हमारा भाषा परिवार है जो कि भारूपीय भाषा परिवार है इससे बहुत सारी भाषाएं जुड़ी हैं जिसमें से भारत की भाषाएं जो अगर बात करते हैं तो असमिया गुजराती हिंदी कश्मीरी ठीक है और सिंधी अगर एशियाई भाषाओं की बात करते हैं तो फारसी तथा यूरोप की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन यूनानी इतालवी स्पेनिश ये सारी 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 भाषाएँ इसी भाषा परिवार से जुड़ी हैं इन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे अब दोस्तों भाषा परिवार क्यों कहा गया जैसे भारुपीय भाषा परिवार की बात की गई तो इसका मतलब यह होता है कि इनमें से कई सारे शब्द पहले ऐसे हुआ करते थे जो बिल्कुल एक जैसे थे धीरे धीरे वो बोलने के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट होते चले गए जैसे उदाहरण के लिए इसमें बताया भी गया है आप देख सकते हैं कि मात्र जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है और माँ जो है वो एक तरह से हिंदी शब्द है और मदर क्या है अंग्रेजी शब्द है लेकिन इन तीनों शब्दों में देखिए आपको थोड़ी सी समानता दिख रही है मात्र माँ और मदर तो इसी तरह से क्या कह सकते हैं ये एक ही भाषा परिवार के जो शब्द हैं ठीक है क्या तुम्हें इन में कोई समानता नज़र आती है उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं ठीक है अगर हम पूर्वोत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे भारत में भी कई तरह की भाषाएं भाषा परिवार हैं जैसे कि इसमें जो बताया गया है कि आपका एक भारतीय भाषा परिवार है जो आपका भारत और यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है जिसमें आपकी आ, असमिया गुजराती हिंदी कश्मीरी सिंधी ठीक है ये सारी भाषाएं आ जाती हैं उसके बाद अगर यहाँ पर पूर्वोत्तर प्रदेश अगर यहाँ पर पूर्वोत्तर प्रदेशों की बात की जाती है तो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार की भाषाएं वहाँ पर बोली जाती हैं तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ हैं जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएँ हैं है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि झारखंड और मध्य भारत इसमें जो बोली जाने वाली भाषाएँ हैं वो भाषा आस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था न कि पढ़ा जाता था ठीक है तो ऋग्वेद क्या होता था ऋग्वेद होता था जो कि उसका उच्चारण किया जाता था ठीक है और उसका श्रवण किया जाता था उसे पढ़ा नहीं जाता था रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है यानी कि पहले क्या करते थे जो ऋग्वेद की रिचाई हुआ करती थी जो सूक्त हुआ करते थे उनको एक से दूसरे व्यक्ति को उच्च पढ़ा के यानी कि उनका उच्चारण किया जाता था और वो उनको श्रवण करके उसे कंठस्थ किया करते थे ठीक है जो लिखा गया है यानी कि जो वेद की रचना हुई है लेकिन जो लिखित रूप में जो इसकी रचना हुई काफ़ी समय के बाद हुई है और अगर इसकी छापने की बात की जाए तो ये लगभग मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है ठीक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इतिहासकार पुरातत्ववेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं लेकिन भौतिक अवशेष अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो जो हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी बताते हैं तो अवशेषों से प्राप्त जानकारी के इकट्ठा करने के बाद वो बताते हैं जो उन्हें अवशेष खुदाई से मिलते हैं तो उन अवशेषों के आधार पर चीज़ों को बताते हैं लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो उन अवशेषों की भी मदद लेते हैं और साथ में उस समय जो पाए गए धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं किसी पुस्तक की रचना हो सकती है उन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद भी उन उस इतिहास के बारे में यानी उस समय के काल के बारे में जो जानकारी देते हैं वो हमारे इतिहासकार कहलाते हैं चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है तो दोस्तों पर पर देखिए ऋग्वेद के जो यहां पर बात की जा रही है जो ऋग्वेद के कुछ सूत्र सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है यानी कि दो लोगों या या दो, दो या तीन लोगों के बीच में जो वार्तालाप है उसके रूप में कुछ उसमें सूक्त लिखे गए हैं अब ये क्या है जो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित जो दो नदियां हैं व्यास और सतलुज इनके बीच संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है ठीक है अब देखिए ऋग्वेद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक दिया गया है चित्र ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है ठीक है आगे बढ़ते हैं विश्वामित्र और जो नदियों के बीच का जो वार्तालाप था उसको यहाँ पर बताया गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विश्वामित्र कहते हैं हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथा रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो विश्वामित्र बोलते हैं हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके नदियाँ हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं ये नदियाँ यह भी सुझाती हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है अब दोस्तों यहाँ पर क्या है नदियों से प्रार्थना करते हैं विश्वामित्र तो नदियों से प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए कोई सम्मानित वर्ड ही यूज करेंगे तो उस समय जो उस समय सबसे सम्मानित और जो सबसे जरूरी चीज़ें हुआ करते थे वो थे घोड़े और गाय तो उन्हीं से उनकी कंपेयर करते हुए वो उनसे प्रार्थना करते हैं ये बताया गया है ठीक है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा और यमुना नदियों का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है तो गंगा और यमुना नदियों का जो प्रयोग है वो सिर्फ़ एक बार हुआ है और ऋग्वेद में अन्य दूसरी नदियों की बात करें खासकर सरस्वती सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र इसमें मिलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं मवेशी घोड़े और रथ ऋग्वेद में मवेशियों बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा तो कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी ये आहूतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी घी अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी ठीक है अधिकांश जानवरों की मतलब यानी कि जानवरों का मतलब आप बलि प्रथा भी कह सकते हैं उसमें मौजूद थी अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे कोई स्थायी सेना नहीं होती थी लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे वहाँ ये लोग वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी परंपरा पहले थी ऐसा कुछ सिस्टम पहले था कि अधिकांश पुरुष क्या होते थे इन युद्धों में भाग लिया करते थे कोई किसी तरह की कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी ठीक है लेकिन लोकसभाओं सभाओं में आपस में मिलते जुलते थे और युद्ध हुआ शांति के विषय में सलाह और मशवरा किया करते थे और वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार ये लोग चुना करते थे जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा हुआ करते थे ठीक है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द लोगों का वर्गीकरण काम भाषा परिवार या समुदाय निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो ऐसे दो समूह हैं, जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तथा तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे दूसरे लोग थे राजा ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे न इनके पास सेना थी ना ही ये कर वसूलते थे प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था ठीक है तो इस तरह का कुछ वहाँ पर जो है सिस्टम हुआ करता था जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है दूसरा था विश्व जिससे वैश्य शब्द निकला है इस विषय पर तुम अध्याय नंबर पाँच में विस्तार से पढ़ोगे ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं इसीलिए हमें पुरजन या विष भरतजन या विश यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ठीक है तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है आपको बताना है जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे तो ध्यान में रखना है कि जो भी लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वो अपने को क्या कहते थे आर्य कहते थे और जो उनके विरोधी हुआ करते थे वो उन्हें दास या दस्यु कहा करते थे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएँ बोलते थे बाद के समय में दास यानी कि स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें उनके देखिए यहाँ पर बात की जा रही दास या दस्यु कहते थे और दास कैसे लोग हुआ करते थे दास ऐसे स्त्री व पुरुष हुआ करते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब कुछ करना पड़ता था जिस युद्ध में महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी ऋग्वेद की रचना हो रही थी ठीक है यहां पर बात की जा रही है कि जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था ठीक है तो देखते हैं कि वहां पर किस तरह का विकास हो जा रहा था खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की ठीक है यह शिलाखंड महापाषाण महा बड़ा पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते हैं ये पत्थर दफने दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे महापाषाण कब्रे बनाने की प्रथा लगभग तीन हजार साल पहले शुरू हुई थी यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र नंबर दो में दिखाए गए हैं कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र आपको दिखाया गया है यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है ये भी एकमात्र प्रमाण है जो जमीन नीचे है। के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करें ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये क्या है इसका जो देख सकते हैं ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान या शिष्ट कहा जाता है यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों को में जाने का रास्ता है तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने ठीक है क्या पाषाण हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था महापाषाण काल महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान कई बार घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़िया देखिए कई बार देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बाई और क्या है घोड़े के लिए सामान नीचे बाई और कुल्हाड़िया और नीचे एक कटार है तो आप लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं ये कुल्हाड़िया हैं और ये कटार है आगे बढ़ते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी कभी कभी एक कब की तुलना में दूसरी कब में ज्यादा चीजें मिलती हैं ठीक है ब्रह्मगिरी को खोजें मानचित्र में आप ब्रह्मगिरी को वहां पर खोजना है मानचित्र यहां पर दिया गया होगा नीचे ही दिया गया है मानचित्र अच्छा वो मानचित्र पहले वाले में देखा है तो इसमें नहीं दिखा नहीं पा रहा हूं तो चलिए इसमें आगे देख लेते हैं ठीक है पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाए जाने वाले मरे हुए व्यक्ति ही रहे होंगे कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में यानी ब्रह्मगिर की बात की जा रही है वहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में तैंतीस सोने के मनके और शंख पाए गए हैं दूसरे कंकालों के पास सिर्फ एक उस सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं या दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है अब भिन्नता क्या हुआ जो लोग उस समय अमीर हुआ करते थे उनके कंकालों के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे आभूषण और इस तरह की चीज़ें पाई गई जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 33 सोने के मनके और संख पाए गए तो ये कोई बड़े व्यक्ति की वहाँ पर कब्र रही होगी इसी और उसी तरह से कुछ और भी ऐसे कंकाल मिले जिसमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोगों की स्थिति में भी भिन्नता थी कुछ अमीर हुआ करते थे और कुछ लोग उस समय गरीब हुआ करते थे ठीक है कुछ लोग अमीर और कुछ यहाँ पर क्या हुआ करते थे गरीब हुआ करते थे कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी क्या कुछ कब खास परिवारों के लिए थीं कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं ये यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टाने चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे ठीक है इमाम गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देख लेते हैं यहाँ पर या भीमा की एक सहायक नदी के घोड़ के किनारे एक जगह है इस जगह पर छत्तीस से सत्ताईस साल पहले लोग रहते थे यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था उनका सिर उत्तर की ओर होता था कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सौ के साथ रख दिया जाता था एक आदमी को पाँच कमरों वाले मकान के आंगन में चार पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था बस बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था सौ के पैर मुड़े हुए थे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन तो देख लेते हैं छोटे आकार की छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंगाल को आसानी से पहचाना जा सकता है लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंगाल के बीच कोई भी बड़ा फर्क नहीं होता क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं उदाहरण के लिए यदि कंकाल के पास गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है क्योंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनकी कटी प्रवेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है ठीक है ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी वे तो चरक संहिता किसने लिखी थी चरक ने लिखी थी कि मनुष्य के शरीर में 306 तीन सौ हड्डियाँ होती हैं तीन सौ हड्डियाँ होती हैं या आधुनिक शरीर विज्ञान रचना की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज को भी जोड़ दिया होगा मतलब ये बताया जा रहा है कि उस समय उन्होंने बताया था जो कि चरक थे उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो जो 306 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में तीन हड्डियां होती हैं लेकिन जो हमारा आधुनिक विज्ञान बताता है वो बताता है कि दो हड्डियां मौजूद होती हैं तो इससे यह कहा जा सकता है कि शायद चरक ने दांत हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज को भी उसमें जोड़ लिया होगा ठीक है इमाग गाँव के लोगों के काम धंधे इमांग गाँव में पुरातत्वविदों को गेहूँ जौ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा गधा सुअर सांभर चितकबरा हिरण कृष्ण मृग खरहा नेवला चिड़िया घड़ियाल कछुआ केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर आंवला जामुन खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की जाती थी तो अब थोड़ा अन्यत्र के बारे में इसमें देख लेते हैं एटलस में चीन को देखें लगभग पैंतीस साल पहले हम यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है था इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती हैं राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे क्या वे युद्ध जीतेंगे क्या फसलें अच्छी होंगी क्या उन्हें पुत्र होंगे फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी भविष्य इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे जैसा शायद तुम भी सोच रहे होे ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे ठीक है तो ये दोस्तों हमारा हो गया आज का यहाँ पर लेसन अध्याय नंबर चार आगे इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें मिलते हैं इसी सीरीज के नए अध्याय के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग